महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को राज्य के राज्यसभा चुनाव में पार्टी की जीत की सराहना की और इसे खुशी का पल बताया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी का पल है क्योंकि बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल और अनिल बोंडे को 48-48 वोट मिले हैं, वहीं तीसरे उम्मीदवार को शिवसेना के संजय राउत से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी जीत की घोषणा की और बाकी उम्मीदवारों के लिए भी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना के संजय राउत और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल के साथ जीता हूं। मैं विधायकों को धन्यवाद देता हूं। हमें दुख है कि महाविकास आघाड़ी के चौथे उम्मीदवार संजय पवार नहीं जीत सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज।